गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन. इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, यानी बीमारियां एक से दूसरे को कैसा फैलते. तो आज अपन देखेंगे कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस क्या है. मैनिफेस्टेशंस यानी चेंजेस. तो ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक, इसके मैनिफेस्टेशंस क्या है. सो द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स. वेयर डू दे गो देन? द बॉडी इज वेरी लार्ज वेन कम्पेयर टू द माइक्रोब्स. सो देर आर मेनी पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गन्स और टिश्यूज वेयर दे कुड गो. डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन, और दे गो टू डिफरेंट वंस? तो यहाँ पे डाउट क्या आ रहा है? तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से अपनी बॉडी में एंटर हो रहे, तो द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स यानी जो डिसीज को, बीमारी को जो फैलाने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये अपनी बॉडी में कैसा एंटर हो रहे. ह्यूमन बॉडी इतनी बड़ी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी माइन्यूट, अपने को नज़र में नहीं आते, तो इन लोग माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता. तो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स अपनी इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी में कैसा जा रहे, अगर जा रहे तो कहाँ पे जाते? तो ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज, ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज में, यानी पूरे ऑर्गेनिज, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही ऑर्गन में जाते या फिर एक ही टिश्यू में जाते? तो ये क्वेश्चन है. वहाँ पे कैसा जाते ये लोग, अंदर कैसा जाते, कहाँ जाते, पूरे ऑर्गेनिजम्स एक ही ऑर्गन को अटैक करते क्या? सो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स सीम टू हैव एवॉल्व टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इन पार्ट दिस सेलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री. इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया द नोज, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस. इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया, और दे कैन गो टू द लिवर लाइक द वायरसेस दैट कॉसेस जॉन्डिस. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो डिफरेंट स्पीसीज, हर माइक्रोब क्या रहता है, वो डिफरेंट स्पीसीज का रहता. सो इन लोग अपना अपना घर बनाते हैं अंदर, तो कैसा जाते हैं इन लोग अंदर? अगर ये लोग नोज से जा रहे, अपनी नाक से अंदर एंटर हो रहे, तो ये लोग कहाँ पहुँचते? लंग्स को पहुँचते. और कौन सी बीमारी? ट्यूबरकुलोसिस होती. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी नोज के जरिए अंदर जा रहे, तो ये कहाँ पहुँचते? लंग्स में पहुँचते. तो लंग्स में पहुँच के ना कौन सी बीमारी दे रहे? ट्यूबरकुलोसिस. एंड इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर मुंह के जरिए से अपने अंदर जा रहे ये ऑर्गेनिजम्स, तो कौन सी बीमारी होती है? टाइफॉइड. ठीक है, मुंह के जरिए से अगर जा रहे तो टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया. और दे गो टू द लीवर लाइक द वायरस, तो अगर लीवर से गए तो जॉन्डिस होता. जॉन्डिस यानी इरखान बोलते हैं वो. सो बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी द केस. एन इन्फेक्शन लाइक HIV दैट कम्स इन टू द बॉडी वाया द सेक्शुअल ऑर्गन्स विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी. मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू ए मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स. द वायरस कॉजिंग जापानीज एन्सेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू ए मॉस्किटो बाइट, बट इट गोज ऑन टू द इन्फेक्ट द ब्रेन. तो ऐसा हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ नोज से जाएं और लंग्स को इफेक्ट करें, सिर्फ माउथ से जाएं और गट को इफेक्ट करें. तो थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी रहते हैं जो एक से जाके बहुत सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते. सो द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिसीज विल थस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट्स. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने टिश्यू, जो ऑर्गन को टारगेट करके रखा, उसको वो ऑर्गन पे अपने को सिम्टम्स दिखते. इफ द लंग्स आर द टारगेट्स देन सिम्टम्स विल बी कॉफ. अगर अपना लंग्स अपना टारगेट है तो सिम्टम्स क्या रहते? कॉफ और ब्रेथलेसनेस, मतलब अपने को सांस लेने में तकलीफ होती. इफ द लीवर इज टारगेटेड, अगर लीवर टारगेट है तो जॉन्डिस होता. और अगर ब्रेन टारगेट है तो क्या होता? हेडेक होता, वॉमिटिंग होता, अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी फील होना. सो वी कैन इमेजिन वॉट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी. इफ वी नो वॉट टारगेट टिश्यू और ऑर्गन इज एंड द फंक्शन दैट आर कैरिड आउट बाई दिस टिश्यू और ऑर्गन. तो ये जो भी टिश्यू या जो भी ऑर्गन अफेक्ट हो रहा, तो उसके सिम्टम्स अपने को क्लियरली अपने ऑर्गन्स में दिखते. इन एडिशन टू दिस टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, देर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स टू. मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन. एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मेनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन. As a part of this process, there are local effects such as swelling and pain and general effects such as fever. So,
क्या होता है, अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है तो अगर एक्टिवेट हो गया, तो अगर अपनी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है तो अगर बाहर से कुछ भी अगर इन्फेक्शन भी है तो अपने अंदर जो एक्टिव इम्यून सिस्टम है ये बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे लड़के उनको किल कर देते। सो इसको क्या बोल रही है प्रोसेस को, इन्फ्लामेशन बोल रही है। क्या बोल रही है प्रोसेस को, इन्फ्लामेशन बोल रहे हैं। सो इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इन HIV इन्फेक्शन द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस इट फंक्शन। सो HIV वायरस क्या है, ये HIV वायरस क्या करता, अपने अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, अपने इम्यून सिस्टम मतलब अपने वाइट ब्लड सेल्स है, तो अपने वाइट ब्लड सेल्स को क्या करता है, ये पूरा डैमेज करता। अपने अंदर जो बीमारी से लड़ने की ताकत रहती वो सिस्टम कुछ ये डैमेज करता, कौन, HIV इन्फेक्शन। तो क्या होता अपने को अगर HIV इन्फेक्शन है तो अपने को कौन सी भी बीमारी जल्दी अटैक होती, अगर इम्यून सिस्टम अपना वीक है तो अपने को कौन सी भी बीमारी जल्दी अटैक होती। मेनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ HIV एड्स आर बिकॉज द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट विद मेनी इन्फेक्शंस दैट वी फेस एवरी डे, इंस्टेड इवन स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया। सिमिलरली ए माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस। अल्टीमेटली इट इज दीज अदर इन्फेक्शंस दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। तो जो भी पीपल, जो भी इंसानों को ये HIV एड्स है तो ये क्या करते हैं, इससे अपना पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता। अगर अपना इम्यून सिस्टम खराब है तो अपने को कौन सी भी बीमारी हों दो जल्दी अटैक होती। तो ज़रा सी भी अगर अपने को सर्दी हो गई तो भी अपन झेल नहीं सकते, अगर ज़रा भी अपने पेट में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो भी अपन झेल नहीं सकते। तो क्या होता है, ऐसे HIV या फिर एड्स है तो इंसानों को बहुत लाइफ रिस्क रहता उन लोगों का, तो इसीलिए ये लोग ज़्यादातर HIV या फिर एड्स से इन्फेक्ट हुए सो लोग नहीं जीते। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सीवियरिटी ऑफ डिसीज मैनिफेस्टेशंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। ठीक है, ये जो डिसीज़ का जो कितने दिन रहना है या बीमारी अपने को, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कितने ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर एंटर हुए। इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज वेरी स्मॉल द डिसीज मैनिफेस्टेशंस मे बी माइनर और अननोटिस, बट इफ द नंबर ऑफ द सेम माइक्रोब इज लार्ज द डिसीज कैन बी सीवियर एनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। द इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। वी शैल लुक इन टू दिस एस्पेक्ट एज अ लिटिल लेटर इन द चैप्टर। तो क्या होता है, अगर अपनी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हैं तो अपने को इससे कम इफेक्ट होता और जल्दी चल जाती। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर ज़्यादा हो गए, डिवाइड होते ना अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिवाइड होते, एक के चार होते वो लोग, चार के आठ होते, अगर कम हुए तो अपन को ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर ऑर्गेनिजम ज़्यादा हो गए अंदर, माइक्रोब्स ज़्यादा हो गए तो अपनी लाइफ रिस्क में रहती। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, वॉट आर द स्टेप्स टेकन बाई योर फैमिली वेन यू फॉल सिक। जब अपन बीमार पड़ते तो अपनी फैमिली क्या करते, सीधा हॉस्पिटल लेके जाते ना। सो हैव यू एवर थॉट वाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर सम टाइम, वन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन। ठीक है, जब अपन थोड़ा सो के उड़ते तो अपनी तबीयत थोड़ा फ्रेश दिखती। तो कभी नोटिस करे ऐसा कहीं को होता, बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्न सो फॉर इफ इट वुड अपियर दैट देर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिसीज, वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स और द डिसीज एंड द अदर टू किल द कॉज फॉर द डिसीज। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स, द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो दो तरीके रहते हैं बीमारी को भगाने के, या तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, या फिर फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स आर यूजुअली इन्फ्लेमेशन। सो एक जो उसके इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है या फिर उसको वो बीमारी को जड़ से मिटा देता। ठीक है, दो तरीके रहता है बीमारी को मिटाने के, कौन से तरीके, एक या तो अपने को थोड़ी राहत दिलाता, दूसरा तरीका जो बीमारी को जड़ से मिटा देता। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, वी कैन टेक मेडिसिंस दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशंस, वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व अवर एनर्जी, दिस विल एनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। तो अपन क्या करते हैं, अगर कुछ भी अपने को जरा भी सर्दी दिखी, जरा भी बुखार चढ़े जैसा दिखा, तो अपन क्या करते हैं, टैबलेट डाल लेते, मेडिसिन डाल लेते। तो इससे क्या होता है, अपने को टैबलेट लेते, थोड़ा बेड रेस्ट करे तो अपने को थोड़ा बेटर फील होता। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाई इट सेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्ट माइक्रोब गो अवे एंड डिसीज विल नॉट बी क्योर्ड, फॉर दैट वी नीड टू किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये थोड़ी देर की राहत रहती सिर्फ, अगर टैबलेट्स डाल लिए अपन, थोड़ी देर रेस्ट कर लिए तो थोड़ी देर के लिए अपने को आराम रहता, लेकिन हमेशा के लिए वो चले जाता, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से नहीं जाता। तो अपने को क्या करना है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में एंटर हुआ है इसको हमेशा के लिए किल करना है। सो हाउ डू वी किल दिस माइक्रोब्स,
वन वे इज टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स. क्या करना है, पहला तरीका क्या है, या तो मेडिसिन यूज करो जो वो माइक्रोब को किल करते. वी हैव सीन ऑलियर द माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज. माइक्रोब्स आर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है बीमारियां फैलाने के, ये कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है, दे आर वायरस, बैक्टीरिया, फंगई और प्रोटोजोआ. ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज पेक्यूलर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप. दीज प्रोसेस मे बी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस और मेडिकेशन. ठीक है, so these pathways will not be used by us either. For example, our cells may make new substances by a mechanism different from that use of the bacteria. We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis of pathway without affecting our own. This is what achieved by the antibiotics that we are familiar with. Similarly, there are drugs that kill protozoa such as malaria or parasite. तो यहाँ पे क्या है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट अपने को एक मेडिसिन बनाना है जो वो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती. तो वो ऑर्गेनिज्म का वीकनेस क्या है वो देख के अपन मेडिसिन बनाना रहता. तो एंटीबायोटिक्स अगर अपन लिए, एंटीबायोटिक्स लिए तो अपने को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके उससे अपन लड़ सकते. सो वन रीज़न वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज दैट वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ देयर ओन. दे एंटर अवर सेल्स एंड यूजेस अवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस. दिस मीन्स दैट दे आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम एट. डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल द ड्रग्स दैट कीप एचआईवी इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल. तो ये वायरसेस क्या है, वायरसेस को अपने को बस में उन लोगों को अपने जल्दी किल करना थोड़ा मुश्किल रहता. क्यों, वायरस की जो भी इंसान को हार्म करने का है वो तरीका अलग है. ये लोग क्या करते हैं, वायरस अपनी बॉडी में एंटर होके अपना अंदर का पूरा मशीनरी यूज़ कर लेते उन लोगों की लाइफ प्रोसेसेस के लिए. तो इससे क्या होता है, उन लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने को कंट्रोल में लेके आना. लेकिन अब एंटीवायरल ड्रग्स निकले तो जो HIV इन्फेक्शन फैलाते ये वायरसेस के लिए एक ड्रग बनाए अपने को, वो इन्फेक्शन से थोड़ा अपन कंट्रोल में रह सकते बोल के. ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को. आज की क्लास यहीं एंड करेंगे. थैंक यू.